हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज कंपैरिजन है घमासान। एक तरफ है मोट की लूनर और स्मार्ट वॉच जो कि अंडर 2K में एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच है, उसका मुकाबला करेंगे बीट एक्सपी की नियो वेगा स्मार्ट वॉच के साथ जो कि पहले 1800-1900 रुपये गया था, जब इसका प्राइस रिड्यूस हो गया सेल में 1400 रुपये हो गया है। तो देखेंगे कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, 1400 रुपये में भी ये वैल्यू रखती है नहीं रखती, क्या ये बोट को टक्कर दे पाएगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये लेफ्ट में हमारे पास ब्लैक कलर में बोट की लूनर ऑर्बिट स्मार्ट वॉच और राइट में है बीट एक्सपी की नियो वेगा सिल्वर कलर में, तो इसका ध्यान रखना आगे वीडियो में। अब सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस में हमें प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है, तो मेटल का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। उसके बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे बटन क्राउन देखने को मिलता है लेकिन फंक्शनल क्राउन बटन नहीं है, मतलब इससे कुछ आप कर नहीं सकते। बोट में हमको दो फिजिकल बटन देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड की बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस में प्लास्टिक की बैक हमें देखने को मिल जाती है और सेंसर भरपूर दिए गए हैं दोनों ही वॉचेस के अंदर। स्ट्रैप की बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस में 22mm के रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिलते हैं। हम देखिए बोट का जो स्ट्रैप है काफी बेकार क्वालिटी का है, TPU स्ट्रैप है, स्किन वगैरह अगर आपकी सेंसिटिव है तो उस पर एलर्जी कर सकता है। यहाँ की बीट एक्सपी ने जो है सॉफ्ट सिलिकॉन का स्ट्रैप यहाँ पे हमको दिया, थोड़ा सा मोटा है लेकिन काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। बकल की बात करें तो दोनों में ही मेटल का बकल हमें दिया गया है। बेजल की बात करें तो देखिए बीट एक्सपी ने यहाँ पे चालाकी करी है, बेजल के ऊपर जो है डिजाइन बना दिया ताकि बेजल जो है ज्यादा नजर ना आए और बोट के अंदर जो है क्लियर कट बट मोटे मोटे बेजल से नजर आ जाते। डिस्प्ले की बात करते तो बोट में 1.46 इंचेस का एमोलेड एंड बीट एक्सपी में 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। रिजोल्यूशन दोनों ही वॉचेस का सेम है, 466x466 पिक्सल्स का। वेट देखें दोस्तों तो बोट का वेट निकल के आता है 42 ग्राम्स और नियो वेगा का वेट निकल के भी सेम ही आता है 42 ग्राम्स। अब पहनने में देखिए दोस्तों काफी बढ़िया लगती है बीट एक्सपी नियो वेगा स्मार्ट वॉच, तो ये स्मॉल डिस्प्ले भी चल जाएगी, काफी लाइट वेट स्मार्ट वॉच है, थोड़ा सा बड़ा डायल एडजस्ट करना पड़ेगा। रिस्ट टू वेकअप के रिस्पॉन्स की बात करें तो सुपर फास्ट है स्मार्ट वॉच का, आप देख सकते हैं। अच्छी बात है कि रिस्ट डाउन करने पर जो है डिस्प्ले ऑफ हो जाता है जिससे बैटरी काफी सेव होती है। बाकी बोट की लुक्स की बात करते हैं तो ये इतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है, पहनने के बाद ऑर्डिनरी सी वॉच ही लगती है। हालांकि इसका अगर शायद स्ट्रैप चेंज कर दें, मेटल वाला लगा दें तो शायद थोड़ी अच्छी लुक हो जाए। ये भी जो है स्मॉल रिस्ट पे एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़ी और मीडियम रिस्ट पे ज्यादा अच्छी लगेगी। रिस्ट टू वेकअप के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा स्लो है, लगभग 1 सेकंड ले लेती है वॉच डिस्प्ले ऑन करने में। अच्छी बात यह है कि रिस्ट डाउन करने पर इसका भी डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें दोस्तों दोनों ही वॉचेस की काफी कमाल की है, लगभग 500 निट्स की ब्राइटनेस दोनों वॉचेज ऑफर करते हैं तो आपको आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें तो दोनों ही वॉचेज IP67 पे आते हैं, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं। डस्ट सैंड एंड वाटर प्रूफ ये तीनों हो जाती है। अब देखिए जब होम स्क्रीन में आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो दोनों के अंदर कंट्रोल सेंटर खुल जाता है और यहाँ बोट के जो कंट्रोल सेंटर में हमें 5 और टोटल 4 9 ऑप्शन दिखाई देते हैं और यहाँ पे हमको जो है 6 ऑप्शन ही दिखाई देते हैं बीट एक्सपी में। ऊपर को स्वाइप करते हैं तो बीट एक्सपी में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, बोट के अंदर जो है लाइव क्रिकेट स्कोर आ जाता है जो आपको मोबाइल ऐप से इनेबल करना पड़ेगा। राइट को स्वाइप करते हैं तो वही कॉमन फीचर जैसे हार्ट रेट, पूरे दिन की एक्टिविटी, टेल्स, SPO2 आ जाता है। बीट एक्सपी के अंदर स्ट्रेस मॉनिटर एंड BP मॉनिटर जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर्सनलाइजेशन का भी ऑप्शन है तो आप जो अपनी होम स्क्रीन है उसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है बोट के अंदर अवेलेबल नहीं है, बोट के अंदर वैसे हैं काफी सारे फीचर दिए गए और यहीं पे आप नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। अब जरा बटन दबा के दोनों के मेन मेन्यू में जाते हैं तो देखिए कॉलिंग की डिटेल्स, स्पोर्ट्स मोड का रिकॉर्ड, कॉलिंग डिटेल्स, ब्रीद मोड, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, ये सारे जो है इनमें दिए गए हैं फीचर्स दोनों वॉचेस में। अलार्म की बात करते हैं दोस्तों तो अलार्म दोनों ही वॉचेस में लगा सकते हैं, टाइम एंड चेंज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। बीट एक्सपी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं जो कि बोट के अंदर मिसिंग है, जैसे कि यहाँ वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन हमें देखने को मिला था, साथ में स्टॉक मार्केट वाले अपने फेवरेट स्टॉक्स का लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं, साथ के साथ कैलकुलेटर भी इसमें दिया गया है। और अगर हम मेन्यू स्टाइल्स की बात करें तो 2 मेन्यू स्टाइल हमें बोट में देखने को मिलते हैं और 5 मेन्यू स्टाइल हमें बीट एक्सपी में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नियो वेगा में कैलेंडर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है एंड साथ के साथ स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, मतलब आपकी स्क्रीन कितनी देर के लिए आप ऑन रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए, 20 मिनट 15 मिनट 5 मिनट, तो ये फीचर भी काफी यूनिक है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों में ही 20 सेकंड का देखने को मिल जाता है। हार्ट रेट मॉनिटर चेक करते हैं दोस्तों सरफेस का तो दोनों ही वॉचेस मना करते हैं, मतलब सेंसर अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। हार्ट रेट मॉनिटर देखते हैं बीट एक्सपी नियो वेगा का तो देखिए काफी ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे जैसे ऑक्सीमीटर में रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है वैसे ही वॉच में रिस्पॉन्स आ रहा है,
अब जैसे ऑक्सीमीटर में स्टेबल हो गया तो वॉच ने भी स्टेबल कर दी है, तो मतलब हार्ट रेट काफी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी एस्पिरेटर तो वैसे कहते हैं रिलाई मत करो, तो यहाँ पे थोड़ी सी हिली रीडिंग देखने को मिलती है। अब जरा लूनर ऑर्बिट की एक्यूरेसी चेक करके देखते हैं दोस्तों हार्ट रेट की। तो इसमें थोड़ा सा शुरू में रीडिंग में डिफरेंस है लूनर ऑर्बिट में, लेकिन वॉच ने रीडिंग बढ़ानी शुरू कर दी ऑक्सीमीटर से मिलाने के लिए। देखते हैं इनका मिलन होगा या नहीं होगा, या प्रेम कहानी इनकी अधूरी रह जाएगी। तो देखिए काफी ज्यादा डिफरेंस, जबकि कल मैंने जो रीडिंग्स ली थी उसमें काफी ज्यादा मैच हो रहा था, अब जाके डेटा जो है काफी ज्यादा मैच हो चुका है, लेकिन फिर से 5 रीडिंग का फर्क है। तो मतलब इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है इसका हार्ट रेट अगर हम बात करें तो। SpO2 रीडिंग्स तो वैसे भी इतनी रिलायबल नहीं होती है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस निकल के आ जाता है। UI की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही वॉचेस का मुझे मजेदार नहीं लगा। 60 हर्ट्ज लिखा है बीट एक्सपी पे, किसी एंगल से 30 हर्ट्ज भी नहीं है वो। बोट का UI देखिए कभी कभी लैग करता है, अब जैसे अभी स्मूथ चल रहा है फिर अचानक से भागने लग जाएगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बीट एक्सपी का तो लैग करता ही करता है, आप चाहे थोड़ा चलाएं चाहे ज्यादा चलाएं इसको। तो बोट का थोड़ा सा बेटर है, तो बोट का थोड़ा सा बेटर है UI। मोबाइल ऐप देखिए दोस्तों दोनों की ही बहुत बढ़िया है, जब भी वॉच डिस्कनेक्ट होती है और दोबारा कनेक्ट करने में कोई इशू नहीं आता, ऐसे नहीं आपको ऐप जाके ओपन करनी पड़ेगी। बाकी भरी हुई ऐप थोड़ी मुझे बोट की लगे, लेकिन तो फीचर्स काफी ज्यादा दिए गए हैं और काफी कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों, तो बीट एक्सपी में 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और वहीं बोट के अंदर 700+ स्पोर्ट्स मोड है। वॉच के अंदर 15-20 ही होते हैं, बाकी जो है मोबाइल ऐप से लगाने पड़ते हैं। दोनों ही वॉचेस के अंदर जो है कस्टम गोल्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बीट एक्सपी में एक बहुत जबरदस्त बात है कि इसके अंदर जो है कनेक्टेड GPS का सपोर्ट है, तो ये मोबाइल का डेटा यूज करके आपको वर्कआउट का रूट मैप भी दे देता है, और उसके अलावा बाकी जो है काफी डिटेल में जो वर्कआउट का आप डेटा देख सकते हैं दोनों ही वॉचेस में। स्टेप काउंटर एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, तो जब मैं 300 स्टेप चला तो 305 बीट एक्सपी ने कैप्चर किए एंड 291 लूनर ऑर्बिट ने कैप्चर किए, एंड फाइनली 500 स्टेप जब हमने खत्म किए तो 518 बीट एक्सपी ने एंड 487 लूनर ऑर्बिट ने। तो बीट एक्सपी की एक्यूरेसी थोड़ी हायर साइड पे है, लूनर की काफी बढ़िया है। वॉच फेसेस में तो देखिए बोट का कमाल नहीं है, 362 वॉच फेसेस जो है ऐप के अंदर दे रखे हैं, और DIY वॉच फेस स्टूडियो की वजह से अगर आप मिलने आए तो थोड़ा सा क्रिएटिव कर करके अपने वॉच फेस खुद डिजाइन कर सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज है, काफी यूनिक चीज है। लेकिन बीट एक्सपी के जो वॉच फेस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लगभग 150+ वॉच फेसेस दिए गए, कस्टम वॉच फेस दोनों ही वॉचेस में लग जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करते हैं तो देखिए दोनों में ही दो दो वॉच फेस देखने को मिले, लेकिन बोट में खास बात यह है कि जैसे आप यहाँ जाएंगे तो फॉलो वॉच फेस का ऑप्शन है, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है बस जो 4 इनबिल्ट वॉच फेसेस है उससे मिलता जुलता है, एक AOD बना देता है, सिर्फ 4 वॉच फेस में चलता है। अगर आप कोई नया वॉच फेस ऐप से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ ये काम नहीं करता। अब ये AOD का वॉच फेस देखिए दोस्तों, तो बोट के अंदर जो है फिर भी विजिबल है, काफी अच्छी लाइट है, लेकिन नियो का देखिए, नियो वेगा का नजर ही नहीं आता, पता ही चलता है AOD है या नहीं है। अब जरा एनालॉग वॉच फेस की बात करते थे तो फिर भी थोड़ा सा विजिबल है बीट एक्सपी में, लेकिन ओवरऑल जो है बोट का वॉच फेस ज्यादा बढ़िया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का विजिबिलिटी में। देखिए लूनर ऑर्बिट में हिंदी नोटिफिकेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और हिंदी यहाँ पे हमें बीट में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो बोट के अंदर जो है हमें लगभग 15 लाइंस का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, और नियो वेगा के अंदर हमें उससे भी थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज कैसी आ रही है? महफूज सही सही आ गया सर, थोड़ी सी लो लग रही है, एक बार देखूं इसकी आवाज तेज आया नहीं है, आवाज तो फुल पे इसकी, तो स्पीकर थोड़ा लो है। अगर आप आउटडोर में जाते हैं शोर शराबे में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है सुनने में, बाकी क्लैरिटी ठीक आ रही है आवाज की। हेलो हेलो, आप तेज ही बोल रहे हो या मुझे ही धीरे आ रही है? स्पीकर तो बड़ा धीरे आ रहा है इसका, आप तेज बोल रहे हो ना नॉर्मल? दोस्तों इसकी आवाज तो बिल्कुल ही गई गुजरी है, मतलब कॉलिंग वॉच में स्पीकर ही नहीं पता कहाँ पर है भाई, इसका आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ लाउड आ रही है। अच्छा लेकिन आपकी बहुत धीरे है, मतलब आउटडोर में तो भूल ही जाओ, इंडोर में भी इसका काम चल जाए गनीमत है। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों, तो 300 mAh की बैटरी बीट एक्सपी नियो वेगा में देखने को मिल जाती है, 2 दिन चल जाएगी आपकी हैवी यूसेज में कॉलिंग और AOD के साथ, और 5 से 3 चल जाएगी आपकी विदाउट कॉलिंग एंड विदाउट AOD। वही बोट की जो है बैटरी कैपेसिटी स्पेसिफाई नहीं है, 2 दिन ये भी चल जाएगी आराम से कॉलिंग प्लस AOD के साथ, और 4 से 5 दिन चल पाएगी विदाउट कॉलिंग एंड विदाउट AOD, ये थोड़ी सी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है इसमें। तो वीडियो तो हमने देख लिया होगा दोस्तों, अब प्राइस तो मैंने आपको जैसे बताया था ये 1400 की आ रही है बीट एक्सपी की, और बोट का प्राइस अभी 2099 है, सिलिकॉन वेरियंट मतलब TPU वेरियंट का स्ट्रैप, और मेटल वेरिएंट 2399 का आता है। तो हमने फीचर्स तो देख ही लिए, सारे परफॉर्मेंस वगैरह देख लिए, तो परफॉर्मेंस में तो कॉलिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो नियो वेगा का ज्यादा अच्छा है लूनर ऑर्ब से,
उसके अलावा हार्ट रेट के सेंसर की एक्यूरेसी दोनों की अच्छी। आज बोर्ड में थोड़ा सा हिला के रख दिया था, वहाँ डर गया था मैं थोड़ा। बाकी स्टेप काउंटर दोनों ही वॉचेस का अच्छा निकल के आता है। यूआई जो है दोनों का इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बोट का स्लाइटली बेटर लगा। बाकी लुक्स वगैरह में ज्यादा प्रीमियम देखने में लगती है बीट एक्सपीनियो वेगा। मैं बार बार है ना उल्टा नाम बोलता रहता हूँ, वेगा न्यू आई थिंक इसका नाम। और बाकी काफी सारे फीचर्स जो हमें बीट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर देखने को मिलता है, कैलेंडर देखने को मिल रहा है, स्क्रीन लॉक है, स्टॉक मार्केट है, वर्ल्ड क्लॉक है, तो फीचर्स के मामले में भी काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। और प्लस आपके काफी सारे पैसे भी ये बचाती है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम क्लियर कट विनर जो है बीट एक्सपी वेगा न्यू निकल के आती है। अभी स्मार्ट वॉच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इसका बाइंग लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया और हमारी वेबसाइट को भी विजिट नहीं किया, तो आप अपना काफी ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, काफी सारी डील्स को आप मिस कर रहे हैं। तो वहां भी जरूर फॉलो करें एंड विजिट करें, ताकि आप अमेज़फिट जैसी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस को कम दामों में खरीद कर अपने पैसे बचा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।